हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन RCI एजुकेशन हब्स ऑनलाइन क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था टेंस का, जिसमें हमने तीन टेंस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। अब चौथा पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नंबर चार पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, सबसे पहले तो इसकी वही पहचान पढ़ेंगे। हिंदी में वाक्य टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रहे हो आदि शब्दों में से कोई भी शब्द यदि हिंदी वाक्य के अंत में आता है तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, वह सुबह से रो रहा है। अब यह वाक्य लिखा हुआ है, अंत में तो क्या है, रहा है, और सुबह प्लस टाइम। अब इसमें टाइम के साथ से लगा हुआ मिलेगा आपको, जैसे ऐसे टाइम मिलेगा, टाइम के साथ से, और उसके बाद अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो वह वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसी प्रकार से हमारा ये वाक्य था, वह सुबह से रो रहा है। अब इस वाक्य की अपने को क्या बनानी है? अंग्रेजी बनानी है, इसका इंग्लिश वर्जन लिखना होगा। वो किस प्रकार से लिखा जाता है? जिस प्रकार से हम पीछे के तीन टेंसों के रूल पढ़कर आए हैं, नियम पढ़कर आए हैं, उनके बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार से इस टेंस के भी हम रूल इसके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला रूल होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब, जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? हैज या हैव, उसी प्रकार से पास्ट वो सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैज या हैव प्लस में बीन। क्या लग जाएगा? बीन। हैज या हैव प्लस में बीन, ये तो इसकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसकी आवश्यकता होती है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी होगी? हैज या हैव वो सॉरी मेन वर्ब होगी वर्ब की ing फॉर्म। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन, मेन वर्ब होगी वर्ब की ing फॉर्म। सबसे पहले कोई भी एक साधारण वाक्य होता है, उसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होती है? मेन वर्ब। ये हमारे को हेल्पिंग वर्ब भी मिल गई, मेन वर्ब भी मिल गई। मेन वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे को वाक्य में मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अब इसमें क्या लगता है कि इसमें टाइम प्लस से रहता है। क्या रहता है? टाइम प्लस से। जैसे यहाँ पर सुबह तो क्या हो गया? टाइम। उसके साथ क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। अब इस टाइम प्लस से की अंग्रेजी लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो से की अंग्रेजी लिखेंगे। से की यहाँ पर दो अंग्रेजी लिखी जाती है, एक तो फॉर और दूसरी सिंस। फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद या तो फॉर का प्रयोग करेंगे से के लिए या फिर सिंस का, और उसके बाद जो टाइम बच जाता है, समय की जो अंग्रेजी से सुबह है तो सुबह की मॉर्निंग हो जाएगी, वो टाइम लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा एक साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, प्लस में टाइम। अब अपने पास दो नई चीज़ आई है। ये सब चीज़ें तो हम पढ़ रहे थे, फॉर और सिंस, दो नई चीज़ आई हैं, एक तो फॉर और दूसरा सिंस। अब फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वैसे जो नोट्स हैं उनके अंदर लिखे हुए आएंगे फॉर या सिंस का प्रयोग। फॉर का प्रयोग तो डियर स्टूडेंट्स कहाँ होता है? अनिश्चित समय। कहाँ पर होता है? अनिश्चित समय, अर्थात अनफिक्स टाइम या समय की अवधि या फिर टाइम्स ऑफ ए पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड। इसके साथ किसका प्रयोग होता है? टाइम ऑफ पीरियड के साथ, समय की अवधि के साथ फोर का प्रयोग होता है, या फिर अनिश्चित समय के साथ किसका प्रयोग होता है? फोर का। अब जैसे अनिश्चित समय में क्या क्या आता है? जैसे फोर
टू आवर्स, फॉर फाइव डेज, फॉर सिक्स मंथ्स, फॉर टेन ईयर्स। तो ये सभी ETC, ये सब किस में आते हैं? समय की अवधि में, अर्थात अनिश्चित टाइम में आते हैं। जैसे फोर टू आवर्स आ गया कि दो घंटे से। अब जैसे कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, अब उसके पास यदि हम जाते हैं, उसको हम देख कर ये कहते हैं कि भाई ये विद्यार्थी, अर्थात उस विद्यार्थी का नाम क्या है? जैसे उस विद्यार्थी का नाम रवि है, हम क्या कहेंगे कि रवि दो घंटे से पढ़ रहा है, रवि दो घंटे से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अब हम वहाँ से चले जाते हैं, फिर हम तीन घंटे बाद आते हैं। कितने घंटे बाद आते हैं? तीन घंटे बाद हम आते हैं, और तो हम क्या देखते हैं कि रवि पढ़ता रहता है। तो हम आकर क्या कहेंगे कि भाई रवि दो घंटे पहले के और तीन घंटे वो हो गए, टोटल कितने घंटे हो गए? पाँच घंटे। कि भाई रवि पाँच घंटे से पढ़ रहा है, अर्थात ये समय निश्चित नहीं हुआ, ये अनिश्चित समय रहेगा, अर्थात ये समय बढ़ गया। पहले दो घंटे जब हमने देखा शुरू में दो घंटे से, लेकिन जब हम तीन घंटे बाद आए तो हमने देखा रवि अभी भी पढ़ रहा है। तो तीन घंटे तो वो और दो घंटे पहले के, टोटल कितने घंटे हो गए? हम क्या बोलेंगे कि भाई रवि पाँच घंटे से पढ़ रहा है। अर्थात जो समय घटता और बढ़ता रहता है वो किस में आता है? अनिश्चित समय में, अर्थात समय की अवधि में आता है। वहाँ पर किसका यूज होता है? फोर का यूज होता है। उसी प्रकार से हम यूज करेंगे, किसका प्रयोग सीखेंगे? सिंस का प्रयोग सीखेंगे। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है ये चीज हम देखेंगे। जैसे ये वाक्य, जैसे सिंस का प्रयोग करना अपने को, ये सिंस। अब सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? निश्चित समय के साथ, अर्थात फिक्स टाइम के साथ। निश्चित समय जो फिक्स होता है उस टाइम के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस टू ओ क्लॉक, सिंस नून, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2005, इट्टी से इत्यादि। ये सभी क्या होते हैं? निश्चित समय होते हैं। जैसे अब मैं ये बोल दूं कि भाई रवि सुबह से पढ़ रहा था। मैंने ये बात कब कही? बारह एक बजे कही मैंने ये बात। कितने बजे कही? दोपहर के एक बजे बाद मैंने ये बात कही, वो सॉरी दोपहर के बाद मैंने एक बजे ये बात कही कि रवि सुबह से पढ़ रहा है। लेकिन जब मैं शाम को देखूंगा पाँच बजे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रवि इतने घंटे से, मैं ये बात कहूंगा कि रवि सुबह से पढ़ रहा है। क्यों कहूंगा ये बात? क्योंकि वो टाइम फिक्स था सुबह वाला, कि वो सुबह से पढ़ रहा है। उसी प्रकार शाम से, उसी प्रकार दो बजे से, सोमवार से, रविवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, अप्रैल से, दिसंबर से, 2005 से, 2020 से, तो ये सभी टाइम क्या होते हैं? फिक्स टाइम होते हैं, निश्चित समय होता है। इन सब के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया सिंस का प्रयोग। तो इसमें फोर या सिंस का प्रयोग हमारे को सीखना था। अनिश्चित समय या समय की अवधि के साथ तो किसका होता है? फोर का यूज। निश्चित समय के साथ किसका यूज होता है? सिंस का। ये इसके एग्जांपल्स थे कि इन इन के साथ सिंस का होता है, इन इन के साथ किसका प्रयोग होता है? फोर का प्रयोग होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ये तो था अपना पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नोट लगता है। नोट कहाँ लगेगा? जैसे अपना ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस में टाइम, ये अपना स्ट्रक्चर था। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज या हैव प्लस में बीन।
अब अपने को नोट कहाँ लगाना होगा नेगेटिव में, हैज या हैव के बाद और बीन से पहले, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगेगा, नोट लगेगा। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस में टाइम। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज या हैव। सब्जेक्ट से पहले तो हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद किसको लिखेंगे, बीन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, बीन को। पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, उसके बाद में टाइम। अब रही बात इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ये इंटरोगेटिव वाला रहेगा, प्लस में नोट जुड़ेगा, अर्थात सब्जेक्ट से पहले तो हैज या हैव और सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस के बाद टाइम, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में रहेगा, बाकी के इनके जो रूल है वो सभी मैंने नोट्स में लिख रखे हैं, उनमें से आप उतार लेना, ये सिर्फ मैंने समझाए हैं। ओके।